हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गेट 2021 का जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसके बारे में। तो जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं, गेट 2021 का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट था वो 30 सितंबर तक था, मतलब 30 सितंबर तक उसका डेट था, जो अब बढ़ाकर कर दिया गया है 7 अक्टूबर तक, यानी 7 अक्टूबर तक विदाउट लेट फी अब हम लोग इसका गेट 2021 का फॉर्म भर सकते हैं। पहले जो डेट था वो केवल 30 सितंबर तक था और जो लेट फी के साथ था वो 7 अक्टूबर तक था। तो जो अभी लोग अब गेट 2021 का फॉर्म नहीं भरे हैं वो अब आराम से गेट 2021 का फॉर्म भर सकते हैं। ये गेट 2021 का जो है ऑफिशियल वेबसाइट है IIT बॉम्बे का। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, गेट 2021 जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है वो क्या है, IIT बॉम्बे है। तो आप यहाँ पे ये होम पेज है गेट 2020 हाइलाइट्स, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स पे आप लोग जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स है जो क्या है। यहाँ पे जैसे ऑलरेडी 14 सितंबर 2020 था स्टार्टिंग डेट और क्लोजिंग डेट जो रेगुलर था वो 30 सितंबर का था, बट अब वो इस एक्सटेंड करके जो रेड वाला देख रहा है वो क्या हो गया है, नया आया है एक्सटेंडेड क्लोजिंग डेट ऑफ रेगुलर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वो अब क्या कर दिया गया है 7 अक्टूबर तक कर दिया गया है। और अगर आप लेट फीस के साथ भरना चाहते हैं तो वो अब 12 अक्टूबर तक वो कर दिया गया है। और फिर लास्ट डेट ऑफ चेंज ऑफ कैटेगरी, अगर कोई कुछ आप चेंज करना चाहते हैं वो आप 30 नवंबर तक चेंज कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो अवेलेबल होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 जनवरी तक अवेलेबल होगा। और जो एग्जामिनेशन डेट है वो 9 से 12 AM to 12 noon तक होगा, फॉरनून सेशन और आफ्टरनून सेशन 3 to 6 PM होगा। और ये जो डेट है वो इस तरह से 5, 6, 7, 12, 13, 14, तो इसी डेट में किसी डेट में आप लोग का कोई एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, ये था एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट गेट 2021 के बारे में। तो ये, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये है, अगर आप गेट का हाइलाइट्स देखते हैं तो यहाँ पे आप गेट हाइलाइट के बारे में जाएंगे तो यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ पेपर्स कितने हैं, 27। इस बार बहुत कुछ चेंजेज हुआ है गेट 2021 के एग्जामिनेशन में। जो इस बार जो है थर्ड ईयर स्टूडेंट्स भी गेट में अपीयर हो सकते हैं। 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड भी किया गया है। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट एग्जामिनेशन पेपर कौन कौन सा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मतलब पेपर होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें एप्टीट्यूड सेक्शन होता है और 15 मार्क्स का, एंड मेन पेपर जो होता है वो 85 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, और इस बार जो मैक्सिमम आप मतलब 2 पेपर में अपीयर हो सकते हो गेट एग्ज़ाम में इस बार, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन सा आपका प्राइमरी पेपर होगा, मतलब फर्स्ट पेपर होगा, और सेकेंड पेपर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहते हो तो नहीं भी ले सकते हो। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको लेना ही है। अगर आप 2 पेपर लेते हो तो दोनों पेपर का फीस आपसे लिया जाएगा, या ये ऐसा नहीं है कि आप दोनों पेपर एक ही फीस से दोगे, उसके लिए आपको डबल चार्ज आपको देना होगा। जैसे किन्हीं का चार्ज 1500 है, तो अगर आप 2 पेपर में अपीयर होना चाहते हो तो उनका चार्ज 3000 हो जाएगा। तो कोई भी स्टूडेंट का अगर फीस है 750, तो अगर 2 पेपर में अपीयर होंगे तो उनका चार्ज सीधा डबल हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, गेट 2021 में एक पेपर मतलब आप 2 पेपर में दोगे तो आपको चार्ज भी दुगना देना होगा। ये है इंफॉर्मेशन वाउचर के बारे में, तो आप यहाँ से भी जाकर सारा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, कितने टाइम गेट का एग्ज़ाम होता है, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। ये सारा चीज़ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था कि गेट का जो फॉर्म मतलब डेट है वो अब बढ़ चुका है। तो जो स्टूडेंट्स अभी नहीं फिल किए हैं फॉर्म, वो यहाँ से आप फिल कर सकते हैं, जो मतलब यहाँ पे रजिस्टर हेयर न्यू यूजर, यहाँ से रजिस्टर करके आप अपना फॉर्म आराम से भर सकते हैं 7 अक्टूबर तक विदाउट लेट फाइन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।